बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी उम्र को थाम रखा है। हर बार उनकी उम्र तो जरूर बढ़ती है, लेकिन उनकी खूबसूरती बढ़ती उम्र के साथ साथ निखरती जाती है। इन्हीं में से एक है भाग्यश्री। 23 फरवरी को भाग्यश्री अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। खूबसूरत और दिलकश भाग्यश्री को देखकर भला कौन कह सकता है कि वो उम्र के 50 पड़ाव पार कर चुकी हैं और दो जवान बच्चों की मम्मी है। भाग्यश्री का जिक्र जब भी छिड़ता है तो सबसे पहले लोगों को उनकी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया की याद आ जाती है। भले ही मैंने प्यार किया की रिलीज के बाद भाग्यश्री वन फिल्म वंडर बनकर रह गई हो और सलमान बन गए हो बॉलीवुड के सुल्तान, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सुमन के सामने प्रेम का जलवा भी फीका पड़ गया था। जहां एक तरफ मैंने प्यार किया की रिलीज होते ही फिल्म मेकर्स भाग्यश्री को अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, वहीं सलमान को अगली फिल्म साइन करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। वैसे फिल्म की रिलीज से पहले भी भाग्य ने सलमान के मुकाबले भाग्यश्री का साथ ज्यादा दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि सलमान को फिल्म हासिल करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। मैंने प्यार किया के लिए सलमान ओरिजिनल चॉइस नहीं थे। सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म में अभिनेता फराज खान को लेना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो बीमार पड़ गए थे। सूरज फराज के ठीक होने तक रुकना नहीं चाहते थे, तो फैजल की जगह उन्होंने सलमान को साइन कर लिया। जबकि भाग्यश्री को सुमन का रोल थाल में सजा कर दिया गया था। विदेश जाकर पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखने वाली भाग्यश्री एक या दो बार नहीं बल्कि 7 बार फिल्म का ऑफर ठुकरा चुकी थी। हर बार भाग्यश्री स्क्रिप्ट में कोई ना कोई कमी निकाल कर फिल्म का ऑफर ठुकरा देती और सूरज बड़जात्या हर बार कहानी में बदलाव करके उनके पास पहुंच जाते। आखिरकार 8वीं बार भाग्यश्री सूरज बड़जात्या को ना नहीं कह पाई और फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गईं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब भी भाग्यश्री को सलमान से ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। अक्सर भाग्यश्री एक या दो टेक में अपने ओके शॉट दे देती थी, जबकि सलमान को कई बार टेक पर टेक देने पड़ते थे, जिसके चलते वो अक्सर सेट पर झुंझला जाते थे। उन दिनों सलमान की चिढ़ इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि सूरज बड़जात्या अक्सर सलमान से घंटों तक रिहर्सल करवाते थे, वहीं भाग्यश्री के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो बिना रिहर्सल के ही अपने सीन करती थी और तारीफें भी बटोरती थी। इसी वजह से अक्सर सूरज बड़जात्या और सलमान के बीच बहस भी हो जाया करती थी। सलमान सूरज के सामने शिकायतें करते थे, लेकिन सूरज उनकी शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अपने एक इंटरव्यू में खुद भाग्यश्री ने खुलासा किया था कि तब फिल्म की शूटिंग पर जाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था जैसे कॉलेज में जाना। फिल्म की शूटिंग को भाग्यश्री ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। मैंने प्यार किया की सक्सेस का सबसे ज्यादा श्रेय भी उन्हीं के खाते में गया था। वो बात अलग है कि मैंने प्यार किया की सक्सेस को भाग्यश्री अपने करियर में कभी दोहरा नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।